हेलो गाइस, आज हम लोग आपको एक टिप बताने वाले हैं जिसमें आपके घर पे जितने भी तांबे के बर्तन हैं सब चमक जाएंगे। तो हमारी इस टिप को फॉलो करिएगा तो आप भी एकदम साफ साफ बर्तन कर पाएंगे घर पे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें एक पेस्ट बनाना है जिससे हमारा तांबे के बर्तन चमक जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग ने एक कटोरी में डालना है एक चम्मच नमक, एक चम्मच सिट्रिक एसिड जिसे हम नींबू का फूल भी कहते हैं। अब इसमें हम डालेंगे दो चम्मच पानी और फिर इसे थोड़ा मिक्स करेंगे। अब देखिएगा गाइस, कमाल। अब आपको क्या करना है, इसे हम इसमें लगाएंगे और ये एकदम साफ होता चला जाएगा। अभी हमारे पेस्ट एकदम अच्छे से डिजॉल्व हो गया है आप में। अब हम इसको अप्लाई करेंगे हमारे सीनी पे। हम भी शुरू करते हैं। कैसे सफा होने लगा है, ये देखिए हमारा कैसे सफा होने लगा है। ये देखिए कितना अच्छा सफा हुआ है। हम लोग इसी तरह इतना सारा आप इसी तरह अपने घर में पड़े किसी भी पुराने तांबे के बर्तन को चमका सकते हैं। इस टिप को फॉलो करके आप भी इस टिप को फॉलो करिए और अपने घर के बर्तनों को चमकाइए। जितनी भी पुराने तांबे की चीज़ है वो भी चमक जाएगी। ये हमारी भी 20 साल पुरानी है और ये भी देखिए कितने अच्छे से साफ हो रही है। ये देखिए इस कलर से एकदम इस कलर में आ गई है। साफ तो हो ही चुका था बट इसको और एकदम अच्छे से साफ करने के लिए हमने इसमें डाला है सर्फ और उसके बाद फिर देखिए हमको फिर से इसे घिसना है। ये देखिए कितना गंदा गंदा निकल रहा है, इसका मतलब ये देखिए कितने अच्छे से साफ हो रहा है। ये इसी तरह आप पीछे भी एकदम अच्छे से साफ कर लीजिए। ये देखिए हमने एकदम अच्छे से घिस लिया। अब इसमें हम डालेंगे पानी। वाह गाइस, देखिए कितना अच्छा कलर आया, कितनी सफा हुई है, ये एकदम चमक रही है। अब पीछे भी ये देखिए हमने इसको एकदम अच्छे सफा कर लिया है। अब एकदम अच्छे से हमें इसको धो लेना है और उसके बाद फिर इसे सूखना है, सुखाना है। अब इसको हम सूखने देंगे। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिएगा। Thanks for watching.